जी वेलकम टू द चैनल फिजिकल एजुकेशन विद जाहिद और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद जाहिद महमूद। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। आज हम जिस मौजू के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो है हाउ टू डिफेंड योर डिसर्टेशन या रिसर्च थीसिस, कि आपका जो रिसर्च थीसिस है उसको आपने डिफेंड कैसे करना है। आपका वाइवा वॉइस होता है तो फिर उसमें आपसे कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं और उनके सही जवाब क्या। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, हाउ टू डिफेंड योर थीसिस या डिसर्टेशन, कि आपने अपने थीसिस का डिफेंस कैसे करना है या उसमें कौन से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। चैप्टर वाइज मैं आपको बताऊंगा। नंबर वन पे है चैप्टर वन, रिसर्च थीसिस का फर्स्ट चैप्टर होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले हम बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी बयान करते हैं, उसके बाद अपने रिसर्च टॉपिक की सिग्निफिकेंस बयान करते हैं, उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव्स बयान करते हैं, रिसर्च हाइपोथेसिस बयान करते हैं, रिसर्च क्वेश्चंस होते हैं और आपकी रिसर्च की स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम है, फिर रिसर्च की लिमिटेशन और डीलिमिटेशन। फर्स्ट चैप्टर के अंदर से ये याद रखिएगा आपको स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, सिग्निफिकेंस ऑफ द रिसर्च, आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, हाइपोथेसिस या रिसर्च क्वेश्चंस, ये चीजें आपको अजबर होनी चाहिए कि आपकी रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। नंबर वन पे जरा सी बात है, इंट्रोडक्शन से पहले आपका टाइटल आएगा और बहुत सारी चीजें तो टाइटल से वाजे हो जाती हैं, लेकिन आगे जो आप अपने ऑब्जेक्टिव रखते हैं सारी की सारी रिसर्च जो है उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स के गिर्द घूमेगी। इसी तरह अगर हम सेकंड चैप्टर की बात करें तो सेकंड चैप्टर जो है वो लिटरेचर रिव्यू का है। अब लिटरेचर रिव्यू क्या है, इससे पहले जितनी भी रिसर्च इस टॉपिक के आपसे टॉपिक से रिलेटेड हो चुकी है, जो आपके टॉपिक से कोरिलेट करती है, उसका तज़किरा करते हैं और जो डेफिनेशंस वगैरह हैं, टर्मिनोलॉजीज जो आपने इस्तेमाल की हैं उस रिसर्च के अंदर उनको आप बयान करते हैं। और फिर एक सबसे बड़ी चीज़ होती है रिसर्च गैप, जो सबसे बड़ी वजह होती है आपके टॉपिक सिलेक्शन की, कि आपने ये टॉपिक क्यों चूज किया, वो रिसर्च गैप है। इससे पहले जो रिसर्च हो चुकी है और जो लोगों ने रिसर्च के अंदर रिकमेंडेशन दी है कि हमने इस टॉपिक के ऊपर, यानी मिसाल के तौर पर आप इंपैक्ट ऑफ ट्रेनिंग ऑन फिजिकल फिटनेस कर रहे हैं, तो उसमें ये आपको रिकमेंडेशन हो सकती है इससे पहले रिसर्च के ऊपर कि हमने यूनिवर्सिटी एथलीट के ऊपर काम किया, हमने कॉलेज के एथलीट पे काम किया, हमने सिर्फ बॉयज के ऊपर काम किया, हमने सिर्फ गर्ल्स की जो फिटनेस को उसके ऊपर काम किया, तो जो जो नुक्ता नजर या जो चीज रह गई है बाकी उसके ऊपर काम करें। तो लिटरेचर रिव्यू के अंदर यही चीजें रिसर्च गैप की सबसे बड़ी अहम चीज होती है। नंबर थर्ड का है रिसर्च मेथोडोलॉजी, ये आपका सबसे बड़ा अहम टॉपिक है रिसर्च के वाले से। नंबर वन पे आपको आपकी रिसर्च, आपका रिसर्च डिजाइन कौन सा है, यानी आपकी जो रिसर्च है वो क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है, नंबर वन पे। उसके बाद फिर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में से आपने कौन सी आपकी टाइप है आपने, यानी आपकी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, एक्सपेरिमेंटल है, कोरिलेशन है, मतलब ऑब्जर्वेशनल है, कोई भी जो भी हो सकती है, तो जो आपकी रिसर्च है वो आपको पता होना चाहिए कि आपकी क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, आगे फिर उसकी कौन सी किस्म। उसके बाद आगे अगर हम चले जाए उसमें तक पॉपुलेशन, मतलब आपका टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ ट्रेनिंग ऑन फिजिकल फिटनेस। अब फिजिकल फिटनेस किन की है, आप कह सकते हैं स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, हायर सेकेंडरी स्कूल के बॉयज की है, कॉलेज के बॉयज की है, कॉलेज के गर्ल्स की है, तो वो तो बहुत सारे कॉलेज हो जाएंगे एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, एक डिवीजन के अंदर, एक सूबे के अंदर, एक मुल्क के अंदर, फिर आप उनमें से कुछ को चूज करेंगे, वो होगा आपका सैंपल। आपने सैंपलिंग कैसे करनी है, मतलब आपने पॉपुलेशन को चूज करना है तो वो कैसे चूज करेंगे, उसमें डिफरेंट सैंपलिंग के तरीके का है। सैंपलिंग दो बड़ी एग्जाम है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। फिर आगे इनमें से, इनकी भी आगे सब ब्रांचेस हैं जिनमें से आप
सिंपल रेंडिंग को लेते हैं, स्नो बॉल को लेते हैं, स्ट्रेटिफाइड को लेते हैं, परपसर सैंपलिंग को लेते हैं, तो फिर उसमें से आपने वो सैंपलिंग को लिया, उसमें से किसी माहिर के बताए हुए फार्मूले के तहत 10%, 20%, 15% जितनी भी आपने पूरी पॉपुलेशन में से कुछ लोगों को रिसर्च के लिए सिलेक्ट किया, तो वो कि आपकी सैंपल हो गया और जितने वो लोग हैं, 100 हैं, 200 हैं, 1000 हैं, वो आपका सैंपल साइज है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट है। सैंपलिंग इंस्ट्रूमेंट से मरा दिया कि आपने जो रिसर्च के लिए सैंपलिंग की है और उसके बाद आपने डाटा कलेक्शन करनी है, वो किस तरह से करेंगे आप। एक्सपेरिमेंटल है तो जारी सी बात, आप एक्सपेरिमेंट करवा के चेक करेंगे। अगर आपकी डिस्क्रिप्टिव है तो उसके लिए क्वेश्चनेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इंटरव्यू ले सकते हैं, आप सर्वे कर सकते हैं, तो उस चीज का आपको पता होना चाहिए आपने डाटा कलेक्शन कैसे किया। सैंपलिंग के बाद आगे आ जाता है आपका डाटा कलेक्शन का प्रोसीजर। आपने गूगल फॉर्म इस्तेमाल किया है या आपने हार्ड फॉर्म के अंदर लोगों को गए हैं, उस पर रिस्पॉन्स रेट क्या रहा है, कब करवाया, और उस क्वेश्चनेयर के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं, डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन है, उन सबको वो और जो कि बाकी क्वेश्चनेयर के अंदर स्टेटमेंट वगैरह। रिसर्च मेथडोलॉजी का आगे आखिरी हिस्सा जो बस जो है उसको चौथे चैप्टर में लिखते हैं, लेकिन मोस्टली जो है थर्ड चैप्टर के अंदर डेटा एनालिसिस होता है। डेटा एनालिसिस कि आपने जब डेटा कलेक्ट कर लिया तो फिर उसका एनालिसिस कैसे किया, कैसे से मरा दिया कि आपने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कौन सी लगाई। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स मीन कि आपका मीन, मीडियन, मॉड, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, औसत, एवरेज, जो भी आपने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक लगाई। उसके बाद आ जाता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, वो कौन से स्टैटिस्टिक्स है कि आपने दो चीजों का रिलेशन देखा, जिस तरह इम्पैक्ट ऑफ ट्रेनिंग या फिजिकल फिटनेस के ऊपर, तो फिर उसमें आप डिफरेंट टेस्ट लगा सकते हैं। वो टेस्ट आप अपने सुपरविजन सुपरवाइजर की गाइडलाइन के मुताबिक और अपने टॉपिक और ऑब्जेक्टिव्स को मद्देनजर रखते हुए आप स्टैट लगाते हैं। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स जिसमें टी टेस्ट हो सकता है, नोवा हो सकता है, रिग्रेशन हो सकता है, तो ये जितने जो भी स्टैटिस्टिक्स आपने लगाई है अपनी रिसर्च के अंदर, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि टी टेस्ट है तो टी टेस्ट कब लगाते हैं, नोवा तो नोवा टेस्ट कब लगता है, जब आपकी आपका आपका सैंपल कैसा होगा, आपकी डाटा कलेक्शन कैसी होगी, तो फिर उसके मुताबिक आगे टेस्ट लगता है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे चले जाए तो हमारा चैप्टर आ जाता है चैप्टर नंबर 4 के अंदर हम जो भी हमने अखज किया होता है थर्ड चैप्टर के अंदर कि हमने ये डाटा कलेक्शन किया और उसके बाद हमने इसका एनालिसिस किया, तो हमने उस तमाम चीजों को पहले डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने के बाद हम उसके क्या हमारी फाइंडिंग्स क्या है, अपनी फाइंडिंग बयान करते हैं, ठीक है, और एंड पे आप कंक्लूजन देते हैं उसी की बुनियाद के ऊपर हमने किस रिजल्ट के ऊपर पहुंचे, और आखिर के अंदर एंड रिकमेंडेशंस होती हैं कि आप क्या रिकमेंड करते हैं स्टूडेंट्स के लिए, रिसर्चर के लिए, अगर आप खेल से रिलेटेड है या कोई भी टॉपिक हो, सोशल साइंस का हो, साइंस का हो, एजुकेशन का हो, फिजिकल एजुकेशन का हो, कंप्यूटर साइंस का हो, तो आप अपने जो थिंकर्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनके लिए क्या रिकमेंड करते हैं कि हमने ये काम किया है और आगे हम इस चीज की रिकमेंडेशन देते हैं। वो किसी सहूलियत के वाले से हो तो आप ये भी बता सकते हैं कि इन फैसिलिटीज की कमी है, तो अगर आप फिटनेस के वाले से हैं तो आप भी आप बता सकते हैं कि ट्रेनिंग जो है लैक ऑफ ट्रेनिंग है, लैक ऑफ इक्विपमेंट है, पुअर ट्रेनिंग है, पुअर प्रैक्टिस है, या अगर अच्छी है तो फिर उसको हम आगे, सिर्फ हमने स्कूल लेवल पे किया है, इसको कॉलेज लेवल पे बढ़ाएं, इसको यूनिवर्सिटी लेवल पे बढ़ाएं, तो ये हम रिकमेंडेशन दे सकते हैं। और लास्ट एंड फाइनल एंड के ऊपर रेफरेंसेस हैं। रेफरेंसेस जो है अमूमन जो है एपीएस स्टाइल में होता है, बाकी ये डिफरेंट यूनिवर्सिटीज का डिफरेंट स्टाइल को अपनाती हैं, कोई आईई अपनाता है, कोई शिकागो मैनुअल अपनाता है, कोई एपीए, तो एपीए 6th एडिशन जो है रिसेंटली हमारे यहाँ चल रहा है, तो इसी को फॉलो करते हुए आपने रेफरेंसेस ऐड करने हैं। और ये तमाम चीजें थी कि जो कि एक रिसर्च सीजन में चीदा चीजों को मैंने बयान किया। बाकी जो है ये उस चीज पर भी डिपेंड करता है कि आप जब अपना रिसर्च जो है थीसिस प्रेजेंट कर रहे हो और किसी स्लाइड के ऊपर जो आपने वर्डिंग इस्तेमाल की है, जो रिसर्च के कोटेशन इस्तेमाल की है, जो चीजें वो फिर ऑन द स्पॉट जो है जो भी एक्सटर्नल वहां पे मौजूद होता है वो आपको
उस मौके के ऊपर सवाल कर सकता है और फिर वो आपने अपनी रिसर्च और अपनी जहानत की बुनियाद पर वहां पे देने होते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कि हाउ टू डिफेंड रिसर्च थीसिस। आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये आपको टॉपिक और ये डिटेल पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इस कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।